Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों मोहाली में खेले गए मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच में किंग्स ने किया है मोहाली में राज। दोस्तों पंजाब ने मुंबई को हरा दिया है। जी हाँ, पंजाब ने मुंबई को 8 विकेट से हरा दिया। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा रन केएल राहुल ने बनाए। इससे पहले 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्रिस गेल और राहुल की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दी। गेल ने आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी और वहीं राहुल सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। पहले राहुल संभलकर खेल रहे थे लेकिन बाद में आक्रामक रवैया अपना। लेकिन इससे पहले 8वें ओवर में मुंबई की तरफ से कुणाल पांड्या ने आक्रामक गेल को पवेलियन की राह दिखाई। गेल ने आउट होने से पहले 24 गेंदों में 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच 53 रनों की साझेदारी हुई। गेल ने अपनी छोटी और शानदार पारी के दौरान इतिहास रच दिया। गेल आईपीएल में 300 से ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हाँ, अब उनके नाम 302 छक्के दर्ज हैं। इसके बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को मयंक अग्रवाल ने रिमांड पर लिया। मयंक अग्रवाल ने 21 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे और अंत में राहुल के 71 और डेविड मिलर के 15 रनों की पारी से पंजाब ने 8 विकेट से मैच जीत लिया। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत शानदार रही। रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक की सलामी जोड़ी ने पंजाब के गेंदबाजों पर हमला बोला। रोहित शर्मा ने 18 गेंदों में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं क्विंटन डिकॉक ने भी 39 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। लेकिन इसके बाद मुंबई की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती गई। हालांकि हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों में 31 रन बनाए जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस का स्कोर 176 रन पर जा पहुंचा। मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा ने 32, क्विंटन डिकॉक ने 60, सूर्य कुमार यादव ने 11, युवराज सिंह ने 18, किरण कोलाड ने 7, हार्दिक पांड्या ने 31, कुणाल पांड्या ने 10, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस का स्कोर 176 रन पर जा पहुंचा। लेकिन यह काफ़ी नहीं था पंजाब के लिए, इसलिए मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस को 3 मैच में से 2 मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करना। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।